हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहां पर सी यू टी एन टी एस सी ओलम्पियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता योर आई टी एडोकेटर फॉर क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर वन एप्लीकेशंस ऑफ आईटी आईटीज इंडस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ आई टी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ आई टी मीन्स आज हम समझेंगे सीखेंगे जानेंगे कि आई टी के क्या क्या यूजेज हैं किन किन फील्ड्स में बेसिकली इसका यूज किया जा रहा है अब जैसे कि आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि आई टी आजकल हर एक फील्ड में यूज हो रही है चाहे हम बात करें एजुकेशन फील्ड की बात कर लें हेल्थ केयर फील्ड की बात कर ले मेडिकल फील्ड की बात कर ले एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट हर सेक्टर में आप देखो आजकल आईटी का यूज हो रहा है भाई टेक्नोलॉजी कहाँ नहीं है हर जगह टेक्नोलॉजी राइट सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फील्ड है जहाँ इसका यूज किया जा रहा है और कैसे यूज किया जा रहा है बस आज की इस वीडियो का मोटिव यही और यही हम जानेंगे सो so, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आज की इस वीडियो के थ्रू आपको उसका आंसर लिखने के लिए 100 आप प्रिपेयर होंगे राइट चलिए तो शुरू कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एरियाज के बारे में पढ़ा था लाइक आई टी इनेबल सर्विसेज कहां कहां यूज हो रही है जिसमें हमने कॉल सेंटर बीपीओ बीपीएम के बारे में डिस्कस किया था आई टी क्या होता है बेसिकली आईसी टी टूल्स क्या होते हैं ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होंगी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी यूट्यूब की आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मैगनेट ग्रीन डॉट कॉम वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ 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 कॉस्ट राइट सो लाइक एवरी एस्पेक्ट डेली रूटीन हैज विद द एडवेंट जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सुबह से उठते हैं और रात के सोने के पहले तक कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पर आई टी पर टेक्नोलॉजी पर आप टीवी देखते हो आप मोबाइल फोन्स यूज करते हो आप किसी सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो आप वेबसाइट्स का यूज करते हो राइट आप कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो मतलब कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के पीछे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली रूटीन हैज विद द द एडवेंट ऑफ सो इट हेल्प्स टू क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ राइट इसने हमारी लाइफ की क्वालिटी चेंज कर दी मतलब हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है आज हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं हमारी जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ रही है राइट सो बाई गिविंग अस इजी एक्सेस टू एज एज वेल लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो इसकी मदद से आप इजीली हर तरीके की इजीफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो ठीक है चाहे कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो चाहे कोई सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सो इट हैज ट्रांसफॉर्म द द वे वी वे वी वर्क द वे वी कंडक्ट बिजनेस एंड द वे वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर क्या क्या इंप्रूव कर दिया भैया क्या चीजों में बदलाव ला दिए हमारे जीने रहने हर तरीके में बदलाव कर दिया है किस तरीके से हम काम कर रहे हैं कैसे हम बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं राइट सो so, इन सभी तरीकों में आईटी ने टेक्नोलॉजी ने चेंज लेकर आया है राइट पहले के जैसे हम बात कर लें तो पहले जो मैसेज ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता था टेक्निक वो पोस्ट लेटर्स हुआ करते थे फिर धीरे से टेलीफोन आए फिर मोबाइल फोन आए और आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से आप ढेरों सॉफ्टवेयर की मदद से चैटिंग कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग कर सकते हो और वर्ल्ड में किसी भी कोने में किसी भी पर्सन के साथ ईजी री कम्युनिकेट कर सकते हो राइट right? बिजनेस करने का तरीका बदल दिया है भाई काम करने के तरीके बदल गए राइट वर्क फ्रॉम होम आजकल हम काम कर लेते हैं जस्ट बिकॉज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे है होते हैं जिनकी मदद से आप घर पर रहकर काम कर सकते हो बिजनेस कर सकते हो ओके सो ऑल्दो दीस सर्विसेज प्रोवाइड्स अस विद इननंबरेबल बेनिफिट्स एंड आल्सो मेक्स अस सस्पेक्टेबल टू वेरियस साइबर थ्रेट्स तो मतलब काउंट नहीं कर सकते अगिनत तो एडवांटेज है आईटी के राइट right? जिनकी मदद से आपकी लाइफ कही कहीं ना कहीं बेटर हो चुकी है बट यहीं पर कुछ साइबर थ्रेड्स भी होते हैं डन जैसे हैकर्स वगैरह है ना एंटीवायरसेस वगैरह वायरसेज वगैरह होते हैं जिनके लिए हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे कुछ थ्रेड्स भी होते हैं सो दस इट इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दिस सर्विस टू कीप की सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम सो साइबर क्राइम से सेफ रखना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से हम यूज करें हमें बहुत ध्यान से सा सारी चीज़ों को यूज करना होता है बेसिकली राइट सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग जो अभी हमने देखी अब ये जो आईटी की इतनी सारी चीजें हैं जो हार्डवेयर हैं सॉफ्टवेयर्स हैं ये कहाँ किस किस तरीकों से यूज किया जा रहा है so, इसमें सबसे पहले हम करेंगे, या कोई की बात करें तो हर एक कहीं ना कहीं एवरीडे लाइफ में यूजफुल uh, है रिलेटेड है कैसे आईटी फैसिलिटेट्स एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज इन आर डे टू डे लाइफ विद इट्स इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस आई हैज बिकम अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट टू इजी आर लाइफ वर्ल्ड okay. वाइड as social aspects, फाइनेंस एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट issues. चाहे हम बात कर ले पर वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से आप नेटवर्क इंटरनेट जो सर्वर है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो आप हर चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं चाहे हम यह बात करें एजुकेशन से रिलेटेड हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो है उनसे रिलेटेड यदि आप कुछ सोशल एस्पेक्ट्स देखना चाहते हो या सोशलाइजिंग नेटवर्किंग करना चाहते हो तो वो हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बात कर लें फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज हैं जिनको हम आई से रिलेट कर सकते हैं डन सो सम ऑफ समी वेज वी यूज आई टी इन एवरीडे लाइफ तो एवरीडे लाइफ में यदि हम बात कर ले तो किस तरीके से आप आई टी का यूज करें देखो सबसे पहले वी यूज ऑनलाइन सर्विसेज टू पे आर यूटिलिटी बिल्स लाइक टेलीफोन बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस बिल water बिल मोबाइल बिल etc. it के इंट्रोड्यूस होने के पहले या आज से हम बात कर ले कुछ दस दस बीस साल पहले की बात कर ले दस साल पहले की बात कर ले है ना जब ये कुछ सॉफ्टवेयर्स नहीं आए थे जैसे आजकल आप घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल आपका जो गैस बिल वाटर बिल वगैरह वो भर देते हो ना क्योंकि इनकी वेबसाइट्स अवेलेबल है लेकिन कुछ सालों पहले तक ये चीज अवेलेबल नहीं थी है ना सो so, हमें उसके लिए क्या करना होता था इनके जो ऑफिस है वहां जाना होता था लंबी लंबी, लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता था और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या ऐसी चीजें पे कर पाते थे लेकिन आज की कंडीशन में यदि हम आज के एरा की बात करें जिसे हम इन्फॉर्मेशन एरा कहते हैं इंटरनेट की दुनिया कहते हैं यहाँ पर हर चीज पॉसिबल है आप घर बैठे ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स ये काम कर सकते हो राइट सो वी रीड ऑनलाइन न्यूज पेपर एंड स्टे अपडेटेड पहले आपके पास में न्यूज पेपर आया करते थे राइट आज भी आते हैं ऐसा नहीं है बट आजकल आपके पास एक और फैसिलिटी अवेलेबल है ड्यू टू तो आईटी आप क्या एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन न्यूज पेपर एक्सेस कर सकते हो है ना सपोज दैनिक भास्कर जो कि बहुत फेमस है लाइक पत्रिका जितने भी न्यूज़ पेपर इन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको मिल जाती है ठीक है आप उन वेबसाइट को डाउनलोड करो इंस्टॉल करो अपने मोबाइल फोन में उनके एप्लीकेशंस होती हैं प्रॉपर उन एप्लीकेशंस को यूज करो ठीक है उसके थ्रू आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हो और अपडेट रह सकते हो नाउ वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे टू नो व्हाट हैपेंड अ डे बिफोर सो इसके लिए अब आपको वेट नहीं करना है कि न्यूज़पेपर आएगा जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ओके okay? आप अप टू डेट रह सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड न्यूज दैट इज इंस्टेंटली एंड सर्विस अपडेटेड राइट सो वी वॉच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ऑन द इंटरनेट अब इंटरनेट पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख सकते हो मतलब आप चाहो तो कोई म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो कोई सॉन्ग मूवीज कोई टीवी सीरियल्स जो आपको अच्छा लगता है आप वो

हर एक बच्चा भी मैं क्या बोल रही हूँ हर एक बच्चा भी है ना वो भी कैसे फोन को चलाना है है ना फोन को कैसे चलाना है बेसिकली स्मार्टफोन को कैसे यूज करना है हाउ टू स्क्रॉल ये वो उसे भी समझ में आता है है ना सो वी गेट कनेक्टेड विद आवर फैमिली रिलेटिव एंड फ्रेंड्स इवन इफ वी आर जियोग्राफिकली अ डिस्टेंट लोकेशन यूजिंग ई सोशल मीडिया वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा जैसा मैंने बताया कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपका कोई फ्रेंड या कोई आपका रिलेटिव भी रहता है उससे यदि आपको कम्युनिकेट करना है तो यू कैन कम्युनिकेट विद द टेक्नोलॉजी लाइक ई मेल सोशल मीडिया वीडियो कॉलिंग है ना इन ऐप्स का आप यूज़ कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर्स का आप यूज़ कर सकते हो लाइक फेसबुक इंस्टा ट्विटर हम यूज़ करते हैं नाउ वी डू ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक यूज़ हो रहा है घरों में है ना हम हमारे रिलेटिव हैं हम लोग क्या करते हैं जनरली ऑनलाइन शॉपिंग भाई जैसे फ्री है कुछ आपको नीड लगी तो हम मार्केट जाना विजिट करना पसंद नहीं करते घूमना ट्रैवल करना पसंद नहीं करते ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप स्नैपडील अमेजोन फ्लिपकार्ट है ना वेबसाइट्स का यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो है ना टू बाय प्रोडक्ट्स एज वेजिटेबल्स ग्रॉसरीज कॉस्मेटिक्स क्लॉथ मेडिसिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक एयर कंडीशनर्स लैपटॉप्स एक्सेट्रा सो जो आपकी नीड की चीजें हैं जो आपको रिक्वायर लगता है डे टू तो डे लाइफ में आप उसे परचेज कर सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग की मदद से यू कैन बाय ऑलमोस्ट एवरी ऑनलाइन

सॉफ्टवेयर का यूज करके ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स कभी भी किसी भी समय ये काम कर सकते हो तो so, ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ है ये आई की मदद से पॉसिबल हुआ है सो हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं राइट right? जो अभी हमने देखे जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है जिनके लिए हमें कंप्यूटर लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन जैसे डिवाइसेस की जरूरत होती है और साथ में इंटरनेट की नीड होती है नाउ आई इन एजुकेशन सेक्टर अभी तो हमने ये होम में देख लिया लाइक आई इन होम एंड डे टू डे लाइफ एवरीडे लाइफ में हम कैसे उसका यूज कर रहे हैं राइट right. अब एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज हो रहा है सो so, आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रही हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही है आप हर क्लासेस का हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई कर पा रहे हो मैग्नेट ब्रेन से बाई यूजिंग टेक्नोलॉजी राइट तो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका यूज हो रहा है बिजनेस में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है और घर में डे टू डे लाइफ में तो हम यूज कर ही रहे राइट सो एजुकेशन सेक्टर में यदि देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज द एबिलिटी ऑफ स्प्रीडिंग अप इंफॉर्मेशन डिलीवरी एंड दिस एबिलिटी कैन बी यूज इन इम्प्रूविंग आर एजुकेशनल इन्वायरमेंट विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग एजुकेशनल मटीरियल आट कट डाउन It it कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड स्टेशनरी परचेज करनी होती है बुक्स परचेज करनी होती है आपको ट्रैवल करके स्कूल तक जाना होता है या फिर हम बात कर ले कि आप कहीं दूसरे सिटी या दूसरी कहीं जगह रहते हैं और वहां से आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आना है राइट तो कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट कट हुई है राइट हम ये बोल सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग एजुकेशन मटेरियल आर कट डाउन एंड इट मेक्स इजी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम एनी आप कहीं से भी अब ऐसे आप बाउंड नहीं हो कि आप स्कूल से स्टडी करो या आप कोई कोचिंग में ही जाके पढ़ो यूट्यूब की मदद से या ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स है जिनकी मदद से आप कहीं से भी किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो नॉलेज गेन कर सकते हो राइट सो टू रिड्यूस द लेवल ऑफ लिटरेसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल एट एनी टाइम टू एनी और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है जो इलिटरेसी का लेवल है उसको भी रिड्यूस किया है राइट क्योंकि कोई भी बंदा कभी भी किसी भी जगह पर जाकर पढ़ सकता है कोई सी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज कर सकता है, है ना जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होती हैं सो वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ इंस्टेंटली किसी भी चीज से रिलेटेड यदि आपको चाहिए तो आप इंटरनेट से इंस्टेंटली सर्च करके उसे एक्सेस कर सकते हो अब इंटरनेट पर इसके लिए बहुत सारे सर्च इंजिन अवेलेबल है जैसे हम बात कर ले गूगल बिंग याहू सब क्या है ये सब सर्च इंजिन जिनके थ्रू आप नेट सर्चिंग कर सकते हो ठीक है जिस भी किसी टॉपिक से रिलेटेड जिस भी किसी इंफॉर्मेशन को आपको यदि करना है तो सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ अटल रोल प्लेज अ अटल रोल इन एजुकेशन एंड लर्निंग सो एजुकेशन और लर्निंग की यदि हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पाइवोटल रोल प्ले करता है इट अलाउज स्टूडेंट्स टू ऑप्टेन रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन विद द क्लिक ऑफ बटन एक बटन के क्लिक करने से आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो एक स्टूडेंट को जो भी सीखने के लिए चाहिए होती है वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट ऑल्सो एक्सेस वेरियस एजुकेशनल वीडियोज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट डन और ये सारी वीडियोज जो आपको मिलती है यहाँ से जिसके थ्रू आपको सीखते हो समझते हो नॉलेज गेन करते हो इनमें क्लैरिटी होती है राइट न्यू टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग द वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही है इन्होंने कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग का तरीका ही बदल दिया राइट कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज इन एजुकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट ऑब्वियस कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गैजेट्स होते हैं लाइक like हम बात कर ले स्मार्टफोन मोबाइल फोन लैपटॉप इसी है ना इन्हीं का यूज किया जाता है ताकि आप टीचिंग लर्निंग असेसमेंट कर सकते हो बोर्ड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजीज और दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को जरूरी है कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज करें और जो उनका गोल है वहां तक पहुंच सके अपना अकेडमिक गोल तक जैसे आपने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है भाई कि आपको नाइन्थ में जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं इसमें आपको 90 से नाइन्टी परसेंट के बीच में या नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में अचीव करना है ठीक है तो उसके लिए अब आप, आप हर बनती कोशिश को करोगे ठीक है आप स्कूल जाओगे आप बुक से पढ़ोगे आपको यदि लगता है कि वहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स होते हैं आप डाउट्स देते हो डाउट्स को आपके सॉल्व किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम हाँ अपने अकेडेमिक गोल तक जो आपका गोल आपने बनाया हुआ है वहां तक पहुँचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइट सो द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर डिजाइनिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इफॉर्मेशन टू लर्नर्स इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग ऑडियो वीडियो स्टिल पिक्चर्स एंड एनिमेशन अब ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। ना सिर्फ फॉर्म में बल्कि आप ऑडियो वीडियो पिक्चर्स के फॉर्मेट में लाइक like एनिमेशन के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें मिलती है तो जब चीजें आपको ग्राफिकली दिखती है ऑडियो वीडियो पिक्टोरियल फॉर्म में दिखती है तो वो चीजें हमें ज्यादा ईजिली समझ में आती है तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहे होते हैं राइट right? ना सम ऑफ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेक्टर आर अभी तक तो हमने एक ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि भाई एजुकेशन सेक्टर में इस तरीके से यूज किया जा रहा है बट कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां स्पेसिफिकली इसका यूज किया जा रहा है तो कौन से वो सेक्टर्स है यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वट आर द सेक्टर्स एजुकेशन सेक्टर जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है तो सबसे पहला आप लिख कर आओगे वहाँ एजुकेशनल रिसोर्सेज एजुकेशनल रिसोर्सेज यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक रिसोर्स की तरह काम कर रही है हम बोल सकते हैं जिसके थ्रू है ना जो स्टूडेंट्स है वो एजुकेशन को गेन कर पा रहे हैं जो लर्नर्स हैं वो कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं ना प्रॉपर ट्रेनिंग ले पा रहे हैं राइट सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेक इट इजी टू एक्सेस अकेडमिक इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी टाइम पे अवेलेबल होती है मतलब यदि आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में टीचर पढ़ाता है एक लिमिटेड टाइम के लिए भाई आपका स्कूल सपोज सुबह आठ बजे से दो बजे तक के हैं तो आप उस उसी टाइम पे टीचर से मिल सकते हो उसी टाइम पर आपका जो पीरियड्स होते हैं क्लास में वो भी फिक्स होते हैं है ना फोर्टी मिनट्स का एक पीरियड होता है उतने टाइम में टीचर आपको था लेकिन ऑनलाइन टीचिंग की मदद से है ना हम क्या कर सकते हैं एनी टाइम एनी टाइम मतलब 24 फोर इंटू सेवन आवर्स आप यदि सो रहे हो या आप जाग रहे हो आप घर पे किसी भी टाइम पे हो किसी भी टाइम आप पढ़ाई कर सकते हो है ना सो अ अवराइटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर टीचर्स टू टीच इन अ बेटर वे और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जैसे स्मार्ट बोर्ड्स का यूज कर लेते हैं हम ऑडियो वीडियो एड्स कुछ वीडियोज होती हैं कुछ एनिमेशन होते हैं है ना कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह जो चीजें होती हैं हम शो करके आपको पढ़ा सकते हैं राइट तो वो क्या होता है एक ईजी वे होता है यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज

दिस ब्रेक्स दाउंड्रीज ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एक्जाम्पल ए स्टूडेंट कैन अटेंड अचर वॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम जैसे यहाँ पे हम बात कर ले है जो कि क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है जो क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही है जो टीचर पढ़ा रहा है उसको एक्सेस कर सकता है बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन इंटरनेट टेक्नोलॉजी राइट तो यदि ये, ये चीज उसके पास में है तो वो क्या कर सकता है बिना वहां प्रेजेंट हुए भी सारी चीजों को गेन कर सकता है ऑल्सो टीचर्स कैन असाइन टास्क टू स्टूडेंट्स वे या और कैंपस एजुकेशनल फॉरम्स इसके साथ साथ टीचर्स आपको ऑनलाइन टास्क भी परफॉर्म करने को दे सकते हैं ठीक है कि आपको समथिंग uh, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है लाइक like, आपको ई मेल सेंड करना है तो ई के आप अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हो या ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है टाइम टू टाइम की कब आपके स्कूल में क्या एक्टिविटी होना है लाइक दिस ओके सो देयर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्री एंड पेड ऑनलाइन सर्विसेज अब ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये फ्री भी हो सकती है पेड भी हो सकती है जैसे मैग्नेट ड्रेन आपको हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऐसे कुछ जो अदर कंपनीज़ हैं ना जो एजुकेशनल एट कंपनीज है वो आपको पेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो दे कैन बी वेरी राइट सो लाइक यूट्यूब किन्डल बुक्स जी सूट एजुकेशन एंड को डॉट ओ आर जी अवेलेबल फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स विच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूजफुल स्टडी मटीरियल्स तो यहाँ से जैसे मैं आपको मैग्नेट मैगनेट्रेन के बारे में बता रही बिल्कुल उसी तरीके से अदर ऑर्गनाइजेशन भी होती हैं ठीक है जो आपको यूजफुल स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं राइट ऑनलाइन लर्निंग सेकेंड यहाँ पर सेक्टर है यदि हम एजुकेशन का समझें तो अभी हमने एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में देखा जिनके थ्रू आपको एजुकेशन मिल रही है वो एजुकेशनल रिसोर्सेज हुए अब ऑनलाइन लर्निंग क्या हुआ इन द पास्ट लर्निंग वॉज लिमिटेड टू अ फिजिकल क्लासरूम यदि हम पास्ट की बात करें टेक्नोलॉजी के पहले तक तो जो लर्निंग होती थी वो क्लासरूम तक लिमिटेड थी कि क्लासरूम आपको रेगुलर स्कूल जाना है क्लास में जाना है और तभी आप पढ़ पाओगे सीख पाओगे राइट right? लेकिन आज क्या आज ये जो ऑनलाइन लर्निंग की मदद से जो लिमिटेड लर्निंग है उसको अनलिमिटेड कर दिया है मतलब स्टूडेंट एंड टीचर्स कुड ऑनली भी एक्सेबल अकेडमी इन्फॉर्मेशन एट स्कूल बट टूडे ऑल दैट हैज चेंजड एंड अ स्टूडेंट कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन एट एनी गिवन टाइम ऑफ द डे डे में किसी भी टाइम पे वो लर्निंग uh, को एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल जाना है आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया हुआ है लिमिटेड टाइम पर ही आपको पढ़ाई करना है यू कैन लर्न यू कैन स्टडी एट एनी गिवन टाइम at according to your choice so you can also contact a teacher or a trainer via the internet to use web based training to yahan pe aap teachers ke sath contact kar sakte ho theek hai आप जो भी educator हैं आपके उनके साथ contact कर सकते हो कि web-based training आपको provide की जाए internet की मदद से आप कुछ डिवाइसेस का यूज़ करके ट्रेनिंग ले सकते हो पढ़ाई कर सकते हो ओके सो वेरियस एजुकेशनल वीडियोस कैन आल्सो बी एक्सेड थ्रू यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म सो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूट्यूब है या इसके अलावा भी बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे वेबसाइट्स होते हैं या पर्टिकुलर एप्लीकेश्स uh, होते हैं जैसे मैग्नेट ब्रेन की बात कर लें तो यूट्यूब पर सारी वीडियोज आपको मिल जाती है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो या फिर अब एप्लीकेशन भी हमारा बन चुका है राइट right? तो आप मैग्नेट ब्रेन का एप्लीकेशन मोबाइल फोन

information टेक्नोलॉजी has फैसिलिटेड ऑनलाइन एजुकेशन सो as a स्टूडेंट इन इंडिया कैन स्टडी द सेम कोर्स as a स्टूडेंट ऑफ usa or europe और यूरोप मतलब इस तरीके से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है कि इंडिया का यदि कोई पर्सन इंडिया का यदि कोई स्टूडेंट कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है तो यूएसए में यूरोप में बैठा पर्सन भी उस कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलर चीज को पढ़ सकता है समझ सकता है राइट सो यही बात मैं आपको कुल मिला समझाना चाह रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ज़्यादा वास्ट हम बोल सकते हैं कि पॉपुलर हो चुका है है ना इतने ज्यादा बूम पे है कि हम बात कर लें किसी और कंट्री की या अपनी कंट्री की भी तो दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी भी चीज को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो डन मोर ओवर वैन इट कम्स टू गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑल दिस स्टूडेंट्स विल हैव चांस टू कंप्लीट फॉर द सेम जॉब राइट नाउ एप्लीकेशन इन क्लासरूम दिस इज द नेक्स्ट सेक्टर कि क्लासरूम में इसके क्या यूजेस हैं आप क्लासरूम रूम की यदि हम बात कर लें तो सपोज आप अपने स्कूल में जो क्लास जाते होंगे क्लास में अटेंड करते होंगे कुछ पीरियड्स अटेंड करते होंगे तो टीचर आपको स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हैं है ना आजकल व्हाइट बोर्ड्स का यूज किया जाता है राइट जो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होते थे उनका यूज कम ही होता है जो टीचर्स हैं आपके वो भी आपको स्मार्ट स्टडी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेज होती होंगी राइट गूगल रूम होता होगा जहां पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है राइट तो एप्लीकेशन यहां पर भी देखा जाता है आई का यूज देर आर मे Any ways in which IT is used for education in the classroom, such as collecting educational information from the internet. internet se education-related jo information hai aap wo collect kar sakte ho Online group discussions with the students, educators presenting दूसर physical location via video conferencing. Video conferencing के through है ना आप क्या कर सकते हो group discussions कर सकते हो. Teachers के साथ में contact कर सकते हो, बात कर सकते हो. Smart board presentation जो मैंने अभी आपको example बताया. Using audio-video ads for teaching. ऑडियो वीडियो का यूज कर सकते हो आप टीचिंग के लिए कुछ सीखना होता है तो टीचर आपको ऑडियो वीडियो के थ्रू समझाती है राइट एजुकेशन बाय मींस ऑफ एजुकेशनल गेम्स कुछ एजुकेशनल गेम्स होते हैं जिनके थ्रू आपको एजुकेशन मिलती है राइट सो so, जैसे आपने देखा होगा टाइपिंग मास्टर लाइक like ये भी एक एजुकेशन गेम है जिसके थ्रू आप टाइपिंग कर सकते हो जैसे हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे ओके okay, ऐसे बहुत से एजुकेशनल गेम्स होते हैं ओके okay, जो किड्स के लिए स्पेसिफिकली होते हैं राइम्स वगैरह जो होती हैं आजकल वो सब ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में सुनाई जाती है बच्चों को समझाई जाती है कहीं ना कहीं क्लासेस में सो यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स द नेक्स्ट फैक्टर इज ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे विल लर्न एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया दुनिया बदल के रख दी है, है ना मानते हो उस चीज को कि नहीं मानते हो मानते हो ना दुनिया बदल के रख दी है मतलब कि आज यदि आपको किसी चीज को खरीदना है या किसी चीज को सेल करना है तो आपको उठकर जाने की बाहर मार्केट में जरूरत नहीं है आप घर बैठे बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो ठीक है आप घर बैठे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो आप घर बैठे किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हो बाई यूजिंग द इंटरनेट है ना सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे लर्न एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन यूज ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फास्टर एंड ईजिली और इसकी मदद से जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ना इसकी मदद से जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा इजीली समझ जाते हैं हर चीज़ों को इजीली ग्रास्प कर लेते हैं चीजों को राइट अब कैसे समझाऊँ मैं यदि बुक में आपको कोई चीज दी हुई है लिखा हुआ है है ना कुछ चीजें आपके सामने टेक्सुअल रख दी जाती है और उसी चीज़ों को यदि आपको ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में वो चीजें पिक्टोरियल फॉर्मेट में समझाई जाती है रिप्रेजेंट की जाती है तो वो हमें ईजिल समझ में आती है इस चीज़ को मानते हुए बस वही चीज यहाँ पर है कि आई ने हर चीजों को ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हेल्पफुल बनाया है वेन एन एडुकेटर एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट थ्रू पिक्चर्स एनिमेशन एंड ऑडियो वीडियोज इट मेक्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ईजिली है ना

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ दैट इज एल एम एस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे तीनों वर्ड का अपना अपना मीनिंग है बहुत ध्यान से समझना एल एम एस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज टू प्लान इम्प्लीमेंट एंड अस अ स्पेसिफिक लर्निंग प्रोसेस ठीक है लर्निंग का मतलब क्या हुआ इट इज यूज टू डिलीवर एजुकेशनल कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लर्निंग का मतलब कि कुछ भी एजुकेशनल कोर्सेज हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो डिलीवर करना ताकि जो लर्नर्स हैं वो उसे सीख सके समझ सके अब ये डिलीवर करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ मैनेजमेंट होता होगा कि कब कौन सा वीडियो किस तरीके से मिलेगा कहाँ ऑर्गेनाइज होगा सो so, मैनेजमेंट का मतलब इट हेल्प टू ऑर्गेनाइज दिस कोर्सेज तो मैनेजमेंट में ही सारी चीज आ जाती है सिस्टम इट रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर इन्हें आप एक्सेस कैसे करोगे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू ना सो so, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर है किससे रिलेटेड है ये आपके टीचिंग एडुकेश एजुकेशन से रिलेटेड है राइट right? क्या होता है एल एम ए सिलेक्ट यू क्रिएट ई लर्निंग कंटेंट आपके लिए ई लर्निंग कंटेंट ये प्रोवाइड करता है ई लर्निंग कंटेंट मतलब आजकल आप देख सकते हो ना क्या कि सपोज आपकी आई टी की बुक है ठीक है तो आपकी आई टी की बुक आपके पास है तो ठीक है नहीं भी है तो भी ठीक है वाई Just आप इसको इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो, है ना ई बुक्स e के फॉर्मेट में इसको एक्सेस कर सकते हो तो वही बेसिकली आपका एल के अंदर आ जाता है कि ई लर्निंग कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है सो so, वही चीज मैं आपको समझाने चाह रही हूँ कि यदि कोई चीज़ें आपके पास फिजिकली नहीं भी है ठीक है तो हम उसे वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं आई की मदद से ठीक है नाउ ऑर्गेनाइज इड इन टू द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स थ्रू एन इंटरफेस एंड एनरोल्स टू सेट एनरोटेस इट फाइनली मॉनिटर्स एंड देयर परफॉर्मेंस अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड दर्स इज द इंजन दैट पावर्स ई लर्निंग इट कंजिस्ट ऑफ टू सेपरेट पार्ट्स दो सेपरेट पार्ट्स में कंजिस्ट होता है पहला अ सर्वर कॉम्पोनेट दैट परफॉर्म्स द कोर फंक्शनैलिटी यहां पर इसका एक सर्वर कॉम्पोनेट होता है जो कि मैनेज करने का काम करता है क्या क्रिएटिंग मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग कोर्सेस कि कोर्सेस क्रिएट करना उनको मैनेज करना उनको स्टूडेंट्स तक डिलीवर करना है ना और ऑथोराइज यूजर ही उन्हें एक्सेस कर सके तो ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स सर्विंग डेटा एंड नोटिफिकेशन एक्सेट्रा ये होता है बेसिकली किसका काम सर्वर कंपोनेंट का सेकेंड आ जाओ आप जो सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है यहाँ होता है यूजर इंटरफेस सो यूजर इंटरफेस दैट रॉन्स इनसाइड यूर ब्राउजर एज अ वेब तो ब्राउजर के थ्रू ही आप इंटरनेट पे जो भी चीज अवेलेबल है सर्वर पे जो भी अवेलेबल है उसे हम एक्सेस करते हैं ये तो आपको अच्छे से पता है चाहे हम बात कर ले गूगल क्रोम की मोजिला फायरफॉक्स की की एप्पल सफारी किसी की भी बात करें कोई से भी वेब ब्राउजर की तो उसी के थ्रू आप इंटरनेट पे बेस्ड वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो डन तो यहां पे जो सेकंड पार्ट है वो है यूजर इंटरफेस जिसमें हम बोल सकते हैं कि ब्राउजर को हम इंक्लूड कर रहे हैं जिसकी मदद से आप क्या कर पा रहे हो जिसकी मदद से आप सर्वर पर ये एल का जो सर्वर है सॉफ्टवेयर का जो सर्वर है, सर्वर है उस पर जितने भी कोर्सेज हैं उन्हें आप एक्सेस कर पा रहे हो दैट इज़ यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स तो अब ये जो यूज़र इंटरफेस है वो चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर सकता है या कोई इंस्ट्रक्टर या स्टूडेंट्स या कोई भी एक्सेस कर सकता है राइट right? जैसे राइट है जिसके पास पासवर्ड वगैरह होते हैं लॉग इन वगैरह होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं सो so, कुल मिला यदि हम बात की जाए तो यहाँ पे ई बुक्स वगैरह जो आपको मिलती है ना ई लर्निंग जितने प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं वहाँ पे आप एल एम सॉफ्टवेयर्स को देखोगे नाउ आईटी एट वर्कप्लेस अभी हमने देख लिया एजुकेशन सेक्टर देख लिया ठीक है एजुकेशन में कितने सेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ यूज़ किया जा रहा है वो सारे डिस्कस कर लिए होप आप यदि एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से इनको elaborated वे में बताकर आ सकते हो

Rapid responses and easier operational procedures. बहुत सही दोनों लाइंस लिखी हुई है ध्यान से इनको समझना है आपको कि IT वर्क प्लेस पे कैसे हेल्प कर रहे हैं सो आई टी आपको फैसिलिटी देता है वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग कि आप नए नए आइडियाज इनोवेटिव वे में किस तरीके से काम कर सकते हो कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो अपने वर्क को कैसे इफिशियंटली इफेक्टिव वे में कर सकते हो राइट अब इसके लिए वर्क प्लेस पे सपोज आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां पे डिफरेंट टाइप की मशीन होती हैं राइट जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं ना कि कम लेबर में आप ज्यादा अच्छा वर्क करके दिखा सकते हो वे में काम करके दिखा सकते हो है ना सो आई टी की मदद से डिफरेंट टाइप की आपको मशीन मिल जाती हैं टूल्स टेक्निक्स मिल जाती हैं राइट right? जिसकी मदद से हम एफिशिएंटली इफेक्टिव वे में वर्क कर सकते हैं इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट हर एक वर्क प्लेस पर ये एक इंटीग्रल पार्ट की तरह वर्क करता है हर एक वर्क प्लेस पर चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई बिजनेस हो कोई कंपनी हो कोई शॉप हो हर एक फील्ड की यदि हम बात कर लें यदि वो आपका वर्क प्लेस है जहाँ आप काम करते हो तो एक इंटीग्रल पार्ट की तरह यूज किया जाता है चाहे हम बात करें सपोज आप किसी कंपनी में जॉब करते हो कोई आई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर लैपटॉप पी हेडफोन सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जिसकी मदद से आप अपने काम को ईजी वे में कर सकते हो है ना सो इट बिकॉज इट प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस

यदि हम आईटी की बात करते हैं वर्क प्लेस पे तो यहाँ पर ये अपने वर्क को आपके वर्क को सिंपलर और एग्जीक्यूट एक फास्टर वे में प्रोवाइड करता है राइट रैपिड रेस्पॉन्सेज अब आपको रेस्पॉन्स के लिए वेट नहीं करना होता यदि आप ईमेल या चैटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर आपको रैपिड रेस्पॉन्सेज मिलते हैं फास्ट रेस्पॉन्सेज मिलते हैं एंड ईजियर ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो भी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ईजी

इट मेक्स एवरी इंप्लॉइजियर एंड मोर इफिशियंट आपका जो जॉब है वो ईजियर हो जाता है और एफिशियंट हो जाता है है ना इट हेल्प इंप्लॉयर्स बाई इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इनहांस होती है कैसे सपोज हम बात कर लें कोई कंपनी uh, ऑर्गेनाइजेशन की जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आप जितना ज्यादा मार्केट में रीच करने की कोशिश करते हो यदि आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या ये चीज नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होगा लेकिन वहीं यदि आपने एडवर्टीजमेंट किया या आपने अपने सॉफ्टवेयर वेबसाइट वगैरह बना दी तो उसके थ्रू आप मल्टीपल मोर कस्टमर्स के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हो है ना कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकती हैं राइट तो उसी चीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स एम्प्लॉयर्स बाय इनक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी सो इट इंक्रीजेस स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत यीजें भी इंक्रीज होती है जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया है कैलकुलेटर के एग्जाम्पल से राइट सो इट इंक्रीजेस स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर मेनी वर्क प्रोसेस

इजी हो जाती है ना मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है और एक्यूरेट वे में आपको रिजल्ट मिल रहा है सो दिस ऑल आर दी बेनिफिट्स नाउ रिकॉर्डिंग कैलकुलेशन कंपैरिजन एनालिसिस ऑफ डेटा कैन बी इजीली एंड एक्यूरेटली डन यूजिंग दिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम अब आप ऑफिसज में वर्ड को तो यूज़ करते ही हो आप साथ में स्प्रेडशीट्स को भी यूज़ करते हो एक्सेल का भी यूज़ करते हो तो एक्सेल में क्या होता है एक्सेल में जनरली हम स्प्रेडशीट्स बनाते हैं डेटा को एंटर करते हैं राइट यदि वहां पर आप कुछ एनालाइज कर रहे हो तो ग्राफ चार्ट्स का यूज़ करते हो सो so, कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक्यूरेटली और ईजिल रिकॉर्डिंग कर सकते हो कैलकुलेशंस कर सकते हो कंपैरिजन एनालिसिस जैसे आ, काम को टास्क को इजी कर सकते हो डेटा बेसि आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा रिलेटेड टू पर्सनल इन्वेंट्री कस्टमर सेल्स अकाउंट्स लॉजिस्टिक एक्सेट्रा यदि हम यहाँ पर बात कर लें किसी ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉज हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो उनका डेटा भी तो स्टोर करना होता है तो उनका डेटा स्टोर करने के लिए डेटा बेसिड सॉफ्टवेयर आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है तो ऐसे बहुत सारे डेटा बेसिड सॉफ्टवेयर जैसे हम बात कर लेमएसएसएस की औरल की राइट या माइस की तो ये तो एडवांस डेटा बेसि सॉफ्टवेयर हो गए तो डेटा बेसेज सॉफ्टवेयर की मदद से आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा को स्टोर करवा सकते हो चाहे वो डेटा रिलेटेड हो किसी इंप्लाई से है ना या इन्वेंट्री से स्टॉक वगैरह से रिलेटेड हो कस्टमर्स सेल्स से अकाउंट से लॉजिस्टिक किसी भी चीज़ से रिलेटेड डेटा data, आप डेटा बेसिस में स्टोर करवा सकते हो इज इनफैक्ट आप स्टोर करवाने के साथ साथ आप उस उसमें कुछ ऑपरेशन भी इजिली परफॉर्म कर सकते हो द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग रिक्यूटरिंग एंड हाई ईटी IT. IT की मदद से ये जो अदर प्रोसेस होती है ना स्क्रीनिंग करना वाई इम्प्लॉय वगैरह जो भी कस्टमर्स है, है ना उन्हें रिक्यूट करना हायर करना न्यू इम्प्लॉयज को तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा Uh, हम बोल सकते हैं कि इम्प्रूव हो चुकी है इसमें भी आईटी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है राइट आप सॉफ्टवेयर्स पे या सोशल मीडिया में जो आपके अकाउंट्स वगैरह है वहां पर आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो राइट क्योंकि आजकल सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सभी लोग जो है सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे है ना सो so, इस तरीके से रिक्रूटमेंट वगैरह में भी हेल्प होती है नाउ आई इन लाइब्रेरी अभी हमने देख लिया आई इन वर्क प्लेस की वर्क प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट मशीन्स टूल्स टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आई ने यूजफुल किया है हर एक काम को और एक्यूरेट और फास्टर स्पीड से करने के लिए हमें प्रोवाइड किया है नाउ लाइब्रेरी अब लाइब्रेरी सभी के स्कूल में होता है अब सभी ने अपने स्कूल के लाइब्रेरी में कंप्यूटर सिस्टम भी देखा होगा भाई क्यों रखा रहता है कंप्यूटर सिस्टम जस्ट इसी के लिए रखा रहता है कि लाइब्रेरी में जितनी सारी बुक्स हैं कितनी बुक्स हैं कितने स्टूडेंट्स को दी हुई हैं कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट की है किस टाइम पे दिया हुआ है किन पर फाइन लगा हुआ है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो नोट डाउन होनी चाहिए कहीं तो रिकॉर्ड होनी चाहिए तो उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा होता है कंप्यूटर सिस्टम में होता है किस में कोई सॉफ्टवेयर होता है जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम करके कोई सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे प्रॉपर आपकी सारी डिटेल को स्टोर किया जाता है कुछ डेटा बेसिस सॉफ्टवेयर होते हैं है ना तो so, ये भी किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है आजकल क्योंकि बल्क में डेटा को मेंटेन करना बल्क में बुक्स की रिकॉर्डिंग करना ये सारी चीजें लाइब्रेरी में आईटी की मदद से ही पॉसिबल है सो आईटी इज यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू रिकॉर्ड लाइब्रेरी एक्टिविटीज ऑपरेशंस एंड वेरियस अदर लाइब्रेरी सर्विसेज जो भी लाइब्रेरी की सर्विसेज हैं जो लाइब्रेरी एक्टिविटीज हैं जितने ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं लाइब्रेरीज तो में उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड uh, रखने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर आई टी लाइब्रेरीज में आई टी का यूज करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरी इज मेजरली बेनिफिटेड द यूज ऑफ आई टी फॉर कलेक्शन प्रोसेसिंग स्टोरेज रिट्राइवल एंड डिसमिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट एडिटिंग कैरेक्टर रिकग्निशन वॉइस रिकग्निशन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग सी डी रोम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ई मेल एक्सेट्रा हैव रैपिडली ट्रांसफॉर्म द लाइब्रेरीज फ्रॉम कन्वेंशनल मैथड्स वही चीज मैंने बताई आपको कि जो लाइब्रेरी में आपके कंप्यूटर सिस्टम रखा होता है ना उसमें इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे हम बात कर लें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कैरेक्टर रिकॉग्निशन वॉइस रिकॉग्निशन सी डी रोम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना इतने इन्हीं सभी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है इन्हीं सारे टेक्निक्स का टूल्स का यूज़ किया जाता है लाइब्रेरीज़ में बुक्स वगैरह को स्टोर करने के लिए है ना उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए राइट

है ना ऑनलाइन जो बिजनेस है वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बूम पर है टेक्नोलॉजी की मदद से जो बिजनेस वगैरह है वो इतना ज्यादा ग्रो कर चुके हैं आज की डेट में कि कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है सो आई टी फैसिलिटीट्स ई कॉमर्स विच इनक्लूड्स मार्केटिंग प्रोडक्ट ब्राउजिंग शॉपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर राइट बिजनेस कम्युनिकेशन थ्रू ई मेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मोबाइल इनेबल्स पीपल टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर जो बिजनेस आप करना चाहते हो यदि वो बिज़नेस आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ई मेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल फोन ये इनकी मदद से आप कहीं भी किसी भी जगह पर रहकर अपनी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो है ना ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोज आपने कोई बिजनेस दिल्ली में स्टार्ट किया है तो आपका दिल्ली में रहना बहुत जरूरी है यदि आप होपफुली कि यदि आप कहीं बाहर जाते हो लाइक like आप मुंबई जाते हो या आप कोई और सिटी में भी जाते हो तो वहां से भी आप अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हो यदि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन करते हो तो राइट right? सो so, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है है ना सो so, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है जो आई हमें प्रोवाइड कर रहा है दैट मोबाइल फ़ोन ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन फीचर्स का यूज करके आप अपने वर्क को आप अपने काम को कहीं भी रहकर कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली एंड डिसीजन कैन ऑल्सो भी टेकन क्विकली इन सारे सॉफ्टवेयर्स की मदद से जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स ठीक है ई मेल्स डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर्स लाइक दिस इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो इंस्टेंटली डिसीजंस ले सकते हो और क्विकली अपने काम को कर सकते हो राइट right? आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए बिल्कुल वेट नहीं करना होता है नाउ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टूल्स दैट आर यूज टू रीच आउट टू पीपल अक्रॉस दी वर्ल्ड आर अब यहाँ पर यदि हम बात कर लें किस की जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि बिज़नेस में मार्केटिंग में यूज़ किए जा रहे हैं ठीक है वर्ल्ड में वो है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग की मदद से आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको बहुत ज़्यादा मोर ओवर पीपल तक वर्ल्ड में किसी भी कोने तक रीच करवा कर सकते हो राइट right? इसमें आप अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो ठीक है एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को इनहांस कर सकते हो जो आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज है उनके फीचर्स को आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव वे में शो करवा सकते हो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सी सिस्टम्स का यूज़ कर सकते हो आप ईमेल कम्युनिकेशंस, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं हम ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को और ज्यादा एलैबोटेड वे में शो करने के लिए वेबसाइट्स का यूज होता है सोशल मीडिया का यूज होता है ऑब्वियस जैसे आप देख रहे हो यदि हम मैंग्रीनस का एग्जाम्पल तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ब्लॉग मिलेगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू ये जितनी भी प्रेजेंटेशन्स मिलती है वीडियोज़ मिलती है यूट्यूब पर कहीं ना कहीं वो सब कंप्यूटराइज ही होती हैं ठीक है स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो कॉमेंट्स कर सकते हो ई का यूज़ कर सकते हो है ना और जितनी भी वीडियोज़ वगैरह मिलती है आपको बैकेंड से प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू मिलती है वेबसाइट सोशल मीडिया आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है आप हमसे फेसबुक ट्विटर इंस्टा हर जगह से कम्युनिकेट कर सकते हो राइट right? हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं सो होप यू अंडरस्टैंड कि वर्क प्लेस पर यदि हम बात कर लें आप बिजनेस एंड मार्केटिंग की भी बात कर लें तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों के थ्रू ये सभी आपके आई के क्या हैं बेनिफिट्स हैं कहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस और मार्केटिंग में जहाँ पर आप यूज कर सकते हो आई का अलग अलग तरीके से नाउ ई e कॉमर्स अब इसमें आती है आपकी बिजनेस मार्केटिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ई कॉमर्स जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं कस्टमर्स की बात करते हैं कुछ बाय सेल की बात करते हैं तो वो किस कैटेगरी में रखा जाता है यदि हम ऑनलाइन रहकर बात करें तो उसे हम ई e कॉमर्स की कैटेगरी में रखते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ये बहुत वास्ट फील्ड है ई कॉमर्स रिफर्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू द इंटरनेट ये इसकी डेफिनेशन है ई e कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब कि जब भी कोई पर्सन है ना कुछ बाय करता है या सेल करता है कोई कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से तो हम उसे किस, हम उसे किस किस हम कैटेगरी में रखते हैं ई e कॉमर्स में रखते हैं ई e कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग यहां सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बिजनेस का ऑनलाइन शॉपिंग में है ना आज आपको मिलियन बिलियंस में वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आपको शॉपिंग प्रोवाइड करती है ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड करती है ना कुछ तो बहुत ज्यादा फेमस है जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात कर ले हम ठीक है स्नैपडील मीशो मिंत्रा ये तो बहुत ज्यादा फेमस वेबसाइट्स है राइट ऐसे आपको ढेरों वेबसाइट्स मिलेगी जिसकी मदद से आप शॉपिंग कर सकते हो दिस अलाउज यूजर्स टू सर्च एंड कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन सारी वेबसाइट्स पर आप क्या कर सकते हो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए जो सर्विस आपको चाहिए आप उनको कंपेयर कर सकते हो ऑफर्स देख सकते हो ऑर्डर कर सकते हो और आपके डोर स्टेप तक आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको बाहर जाकर विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है दे कैन बाय एट कॉम्पिटेटिव प्राइस और आप अपने रिजनेबल प्राइस पर उन्हें परचेज कर सकते हो राइट द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड एट देयर डोर स्टेप द सेविंग टाइम इन मनी तो इससे क्या हो रहा है आपका टाइम भी बच रहा है और मनी भी बच रही है ई कॉमर्स ऑफर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम अपलायंसेज एपरल टॉयज इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स के थ्रू आपको डिफरेंट रेंज में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड चाहे हम कुछ अपलायंसेज की बात कर लें इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज की बात कर लें कोई होम अप्लायंसेज की बात कर लें है ना कुछ टॉयज हो गए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए है ना हर चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर तो ये पहला तरीका बात हुई हमारी बिजनेस मार्केटिंग में ई e कॉमर्स जो कि ई कॉमर्स की e यदि हम बात करें तो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होती है नाउ बैंकिंग बैंकिंग में भी इसका यूज किया जा रहा है है ना अब बैंकिंग का यदि हम बात करें तो जब बैंकिंग वेबसाइट्स नहीं आई उसके पहले अगेन आपको बैंक जाना होता था आपको मनी विड्रॉल करनी है मनी डिपॉजिट करनी है आपको लोन लेना है आपको कुछ पॉलिसी सर्च करनी है ठीक है आपको अकाउंट ओपन करवाना है आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना है सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको बैंक जाना है बैंक में लाइन लगती है सैटरडे ऑफ होता है ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको देखना होता है लेकिन जब से टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग वेबसाइट्स क्रिएट किया है ना मतलब कहीं ना कहीं आप बैंकिंग अब ट्वेंटी फोर इंटू घर बैठे कर सकते हो किसी को भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो ओके okay? आप मनी विदड्रॉल भी कर सकते हो राइट right? किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट और इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, है ना जैसे एन ई एफ टी आर टी जी एस ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है न सो ई बैकिंग रिफर्स टू अ मेथड ऑफ बैंकिंग इन विच अ कस्टमर कंडक्ट ट्रांजेक्शन थ्रू द इंटरनेट बस ज़रूरत किस चीज़ की होती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए है ना जिसकी हम बात करें कंप्यूटर लैपटॉप पी सी मोबाइल फोन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सो इट हैज़ एनेबल्ड पीपल टू कन्वीनियंटली एंड क्विकली कंडक्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन सो बैंकिंग सेक्टर में आप आई टी की मदद से नेट बैंकिंग कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो राइट फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है उन्हें ऑनलाइन कर सकते हो ऑनलाइन बैंकिंगटेड द नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिजल्टिंग इन सेविंग टाइम अफर्ट एंड मनी जिसकी मदद से आपका टाइम बचता है मनी बचता है ठीक है आप ये दोनों चीज़ें सेव कर सकते हो ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन अकाउंट यूजिंग आई एम पी एस आर टी जी एस एन ई एफ टी जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई इनकी मदद से आप अकाउंट में किसी और पर्सन के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हो अपनी अकाउंट डिटेल्स देख सकते हो राइट right? अपनी पासबुक देख सकते हो आप कुछ परचेज करते हो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू तो उसके लिए भी जो आप पेमेंट करते हो कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही होता है राइट पेटीएम फोन पे गूगल पे जीपे वगैरह जिसका आप यूज कर रहे so, हो सो क्या होगा ये आपके बैंक से लिंक होते हैं ना जिसकी मदद से आप मनी को विद्रॉ कर पा रहे हो नाउ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग इज द बिग बॉर्न ऑफ ए सोसाइटी टू डे ध्यान रखो कि ये जो टेक्नोलॉजी में बैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कहीं ना कहीं ये एक बिग बॉन है राइट right? हमारी सोसाइटी का आज मोस्ट बिजनेस बिजनेसो यूज दिस फीचर टू पे देयर इंप्लाइज एंड ट्रांसफर मनी मतलब यदि आज की कंडीशन में हम बात करें आपकी जेब में या आपके पर्स में कुछ रुपए या पैसे नहीं भी है तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो इन दैट केस यदि आपके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मोबाइल फोन लैपटॉप पीसी या इससे रिलेटेड इंटरनेट से रिलेटेड जो भी वेब सर्विसेज हैं जो सॉफ्टवेयर हैं यदि वो आपके पास अवेलेबल है तो राइट और होप ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि फोन पे पेटीएम वगैरह को तो हम यूज करते हैं जनरली राइट right? तो यदि हमारे जेब में या हमारे पॉकेट में पैसे नहीं भी है तो भी हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं डन क्यों विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ एडिशनली यदि हम इसमें कुछ और इंक्लूड करें तो बैंकिंग सिस्टम डू देयर बेस्ट टू तो इंश्योर देयर आप ऑनलाइन बैकिंग कर, कर सकते हो है ना जैसे हम एस बी आई की बात कर लेकी बहुत फेमस तो बैंक है गवर्नमेंट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो यूरोप है उसके थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हो एटीएम के थ्रू आप मनी विद्रॉ करवा सकते हो बैंकिंग एप्स होती है लाइक वही टेली मार्केट टेली बैंकिंग होती है डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी आप बैंकिंग कर सकते हो है ना तो इनके लिए भी फर्दर इनके सॉफ्टवेयर ऐप्स होते हैं सो so, जहाँ पर आप ख़तरनाक तरीके से आ, बैंकिंग कर सकते हो इन आई का यूज़ कर रहे हो राइट वहीं पर कुछ थ्रेड्स भी होते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बट आपको बहुत अलर्ट होकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रांजेक्शन करना होता है सो रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैकर्स भी होते हैं जो कि आपके अकाउंट डिटेल्स को हैक कर सकते हैं आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको इंटराप कर सकते हैं राइट तो बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से आपको ट्रांजेक्शन करने होते हैं अपना ओ वगैरह किसी को शेयर नहीं करना होता है आपके जो सीक्रेट पिन्स वगैरह होते हैं जो पासवर्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग रखना चाहिए ठीक है ताकि कोई ईजिली उसको हैक ना कर सकें डेन आई टी इन इंश्योरेंस अब इंश्योरेंस में कैसे इसका यूज़ हो रहा है भाई ये भी समझ लो है ना इंश्योरेंस तो हर चीज़ का होता है आजकल चाहे मोबाइल फोन हो चाहे बाइक हो चाहे खुद इंसान हो हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है है ना सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस द इंश्योरेंस कंपनीज कैन कीप ऑल देयर रिकॉर्ड्स अप टू डेट अब कितनी फास्ट स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है देख रहे हैं हम है ना प्रीवियस चैप्टर से हमने पढ़ा है तो जितनी फास्ट स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो उतनी ही फास्टली आप देख सकते हो उतना ही ज्यादा अमाउंट में डेटा भी तो क्रिएट हो रहा है ना डेटा तो हर जगह तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा बेस सिस्टम का यूज किया जाता है आई टी टेक्नोलॉजी में डेटा बेस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी तो वो भी क्या करती है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बेस सॉफ्टवेयर का यूज करती है ताकि वो हर एक पर्टिकुलर चीज का अप टू डेट रिकॉर्ड रख सके क्योंकि इंश्योरेंस को तो हमें कहीं ना कहीं रिन्यू करवाना होता है ना हर साल या छः महीने जो एक पीरियड टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग राइट right, तो उसका डेटा भी तो कहीं ना कहीं मेन्टेन होता है सो स्टार्टिंग डेटा ऑफ पॉलिसीज आपने पॉलिसीज कब ली है है ना कितने टाइम तक कॉन्टीन्यूशन में रहेगी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या होगी पॉलिसी कब मैच्योर होगी कितना इंटरेस्ट ड्यू है कितना भरना है आपको क्या सर्वाइवल होगा बेनिफिट क्या है इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड कैसे मैनेज की जा रही है आजकल कंप्यूटर्स के थ्रू कहाँ स्टोर की जा रही है स्टोर्ड यूजिंग कंप्यूटर्स So nowadays, insurance policies can be purchased online through the respectively company's website. The policy premiums can also be paid online at regular intervals from the comfort of your home. इन कंपनीज की वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो ऑनलाइन पॉलिसीज को देख सकते हो जो भी चीज़ अभी हमने यहाँ डिस्कस करी है, सब आप इनकी वेबसाइट्स के थ्रू देख सकते हो तो कस्टमर्स को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी की मदद से आप इनकी वेबसाइट्स के थ्रू सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो राइट आई टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया और सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा अधिकतर यही यूज़ होता है भाई जिसके पास भी समय नहीं होता है दिन भर आप इंस्टा को स्क्रोल कर रहे हो अपने फेसबुक अकाउंट को स्क्रोल कर रहे हो ट्विटर है तो उसको देख रहे हो राइट right? कब नोटिफिकेशन आता है किसने कौन सा स्टोरी लगाया कौन सा रील लगाया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपना टाइम दे रहे हैं टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों को इनक्लूड कर हो रही है ये सारी चीजें राइट सो कम्युनिकेशन में में सोशल मीडिया भी इसका यूज होता है टुडे वी कैन नॉट इमेजिन आर लाइफ विदाउट मोबाइल फोन बताओ ये लाइन बहुत हंड्रेड परसेंट ट्रू लिखी हुई है कि बिना मोबाइल फोन के क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इसका आंसर नहीं कर सकते हो है ना मोबाइल फोन होना तो जरूरी है चाहे बात करना हो किसी से चाहे आपको सोशल मीडिया यूज करना हो चाहे आपको मूवी देखना हो आपको सॉन्ग सुनना हो आपको अपने ऑफिस का वर्क करना हो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो आपको किसी का पेमेंट करना हो

टच में रह सकते हैं लोगों के साथ डन कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली आजकल तो व्हाट्सएप ऑफिशियली यूज किया जाता है भाई डिफरेंट अवेलेबल है है बिजनेस व्हाट्सएप एंड ऑल ठीक सो दैट कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल एक्सेस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट इशूज एंड यूज इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज ऑन टू गो सो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि आई का यूज हो रहा है अब इन सारे एप्लीकेशन के लोगों को तो आप पहचानते ही हो नाउ आई टी इन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट में कैसे यूज होता है आई टीज रिवोल्यूशन ऑफ़ियर एक्टिविटीज ऑनलाइन एंडसेट्रा अब क्या बात करूँ मैं मूवीज की आप सभी ने देखा आजकल तो भाई थ्री डी मूवीज आने लगी है, है ना सो so, ये किस पर बेस्ड है टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है राइट right? कहीं ना कहीं आपने आ, सुना होगा थ्री डी मूवीज के बारे में थिएटर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हो आपके पास में नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजोन प्राइम वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप एच में अपने टी के साथ कनेक्ट करके मूवीज वगैरह देख सकते हो गेम्स प्ले कर सकते हो प्ले स्टेशन वगैरह होते हैं सो दिस ऑल आर अबाउट आई टी इन एंटरटेनमेंट इंटरनेट इज यूज एज अ मीडियम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक वीडियोज एंड अदर कंटेंट ऑन मोबाइल फोन एज वेल एज स्मार्ट टीवीज आज की डेट में हम अपने मोबाइल फोन से टीवीज को कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट टीवी गूगल टीवी आ गए अब तो मार्केट में आप मोबाइल फोन को टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करके धमाकेदार एंजॉयमेंट कर सकते हो है ना सो डिजिटल ट्रांसमिशंस आर यूज टू ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स ऑन टी एंड रेडियो लाइक टीवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम वीडियो एंड मोबाइल फोन एप्स ऑल यूज आई टू प्रोवाइड कंटेंट फॉर इंटरटेनमेंट डन आई टी ऑल्सो हैज इककरेज आर्टिस्ट टू एक्सप्लोर देर क्रिएटिविटी बाई प्रोवाइडिंग डिजिटल टूल्स फॉर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ड्रॉइंग पेंटिंग डिजाइनिंग एक्सेट्रा देखो यहाँ भी इनका यूज़ किया जा रहा है फोटोग्राफ़ी में वीडियोग्राफ़ी में आप देखते हो ना आजकल फोटोशूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ेमस है भाई है ना किसी की मैरिज हो रही तो प्री वेडिंग फोटोशूट्स होते हैं राइट right, ऐसी बहुत सारे फोटोशूट्स फोटोग्राफी वगैरह ड्रॉइंग पेंटिंग हर चीज़ से रिलेटेड आपको फोटोज़ वगैरह मिलते हैं पोस्ट देख सकते हो आप इंस्टाग्राम में रील्स के फॉर्मेट में आप ड्रॉइंग पेंटिंग वगैरह डिजाइनिंग फोटोग्राफीज वगैरह इनकी रील्स देख सकते हो है ना सो so, ये भी किसके थ्रू है ये भी सर्टेन आर्टिस्ट के थ्रू कही कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं इट कैन ऑल्सो एंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक म्यूजिक ड्रामा एंड डांस भी भी ट्रेनिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जा रहा है राइट right? सो so, हो वी अंडरस्टैंड कि कैसे हम इंटरटेनमेंट में इसको देख सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज आई टी इन अब हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है भाई हेल्थ केयर में भी आप देखते हो आजकल नई नई मशीन्स आ गई हैं नई नई टूल्स आ गए हैं मेडिकल फील्ड में यदि आते हो या आप कभी कहीं हॉस्पिटल्स भी गए हो तो सिटी स्कैन वाली मशीन आपने देखी होगी है ना डिफरेंट टूल्स होते हैं डिफरेंट मशीन्स होती है जो कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है राइट right? जिनकी मदद से आप डिसीज का पता लगा सकते हो ईजिली राइट सो आई टी इन हेल्थ केयर में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आई टी इन मेडिकल साइंस इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि मेडिकल साइंस में आई टी का यूज किया जा रहा है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एच के नाम से जानते हो आप ठीक है रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज पर टेनिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूजिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं रेगुलर में है ना देखते हैं हम है ना कि हर किसी को डिसीज हो रही है भाई आजकल तो मतलब देखा जाए तो पेंडेमिक के बाद से ब्लड प्रेशर शुगर जैसी डिसीजेस तो कॉमन है राइट हर दो घर छोड़ के आपको इनके पेशेंट्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से इनका हम बोल सकते हैं कि एक रिलेशनशिप बन जाता है तो हॉस्पिटल में कस्टमर्स सॉरी पेशेंट्स की डिटेल स्टाफ की डिटेल नर्सिस की डिटेल डिसीज वगैरह और जो मेडिसिन वगैरह आती हैं सभी की कहीं ना कहीं डिटेल्स कहाँ मैंशन की जाती है कंप्यूटराइज मैंशन की जाती है कुछ डेटा होते हैं जहाँ इनको स्टोर किया जाता है सो रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आर मेंटेन यूजिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इसके लिए भी स्पेसिफाइड

आजकल आपको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं मतलब यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस के मैं नाम बता दूं आपको हेलोफी वगैरह ऐप होती है जिसके थ्रू आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न देख सकते हो राइट क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट यूजिंग अप टू डेट क्लिनिकल गाइडलाइंस राइट क्लिनिकल गाइडलाइंस आप देख सकते हो क्लिनिकल अपडेट्स आप देख सकते हो जिसके थ्रू आप अपना डिसीजन ले सकते हो राइट पेशेंट इंगेजमेंट टूल्स होते हैं कंप्यूटराइज अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स डॉक्टर्स के साथ यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो वो भी कंप्यूटराइज वे में आजकल आपको मिलते हैं लेबोरेटरी एंड मेडिकल इमेजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम लेबोरेटरी वगैरह में भी जाते हो तो वहां पर भी आपको जो सिस्टम मिलते हैं वो भी आप देख सकते हो कि आई बेस्ड होते हैं वहां कुछ मशीन टूल्स वगैरह रखे होते हैं या लेबोरेटरी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको आई मिल जाती है हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस मेडिकल डिवाइसेस है ना सो so, ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो एचआरटी बेस्ड है जिसमें ब्रॉड रेंज में टेक्नोलॉजी को कवर किया गया है आईटी इन हेल्थ केयर प्लेज़ वेरी की रोल्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डायग्नोस्टिक प्रोसेस डायग्नोस्टिक प्रोसेस में यदि आ जाए तो हम यहां देखते हैं देखो हेल्थ केयर में दो चीजों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो है ना आईटी को पहली चीज तो ये कि मेडिकल फील्ड में जो टूल्स टेक्निक्स यूज की जा रही है वो और दूसरा हॉस्पिटल में जो डेटा बेस में सारी चीजों को मेंटेन किया जा रहा है तो दो तरीके से आप इस पर्टिकुलर पार्ट को समझ सकते हो क्वेश्चन आता भी एग्जाम में तो वैसे भी आप करके आ सकते हो सो कैप्चरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स डायग्नोस्टिक प्रोसेस ठीक है इनक्लूडिंग द क्लिनिकल हिस्ट्री एंड इंटरव्यू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग रिजल्ट आपको चेकअप करवाते हो चेकअप करवाने के बाद में देखो चेकअप हुआ तो वहाँ पे आईटी का कैसे इन्वॉल्वमेंट है भाई पहले आपने अपॉइंटमेंट लिया ठीक है फिर आप टेस्ट के लिए गए तो वहाँ कुछ मशीन्स थे टूल्स थे वो भी आईटी बेस्ड थे कंप्यूटर से रिलेटेड थे ठीक है वहीं पर आपको स्क्रीन पर सारी चीजें दिख रही थी है ना सो तो ये हो गया आपका ठीक है उसके बाद फिर आपकी जो रिजल्ट आते हैं जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट होती हैं है, है ना फिर हॉस्पिटल uh, में जो आप बिल पे करते हो तो वो बिल भी आपका जो रहता है वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है तो अलग अलग तरीके से देखो हेल्थ केयर में बहुत डिफरेंट वे में यहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है

है ना इस लाइन में होप आपको सारी चीज क्लियर कर दी होगी कि आजकल आप देख सकते हो कि कंप्यूटराइज मशीन यूज की जा रही है जैसे कि ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन सुना है ना वराइटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स आर यूज टू मॉनिटर कंडीशन ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी सो so, पेशेंट की क्या कंडीशन है उसको मॉनिटर करने के लिए वैरायटी ऑफ टेस्ट होते हैं चेक होते हैं जिनके लिए इन सारी मशीन्स का इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबोरेटरीज एंड डिस्पेंसरीज लैबोरेटरी और डिस्पेंसरी में एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है कंप्यूटर्स अब ये सारे टेस्ट क्या होते हैं कौन सी मशीन होती है कैसे ये वर्क करती हैं है ना बेसिकली किस तरीके से आई टी इन्वॉल्व है वो सीखेंगे हम

उनके थ्रू हम बहुत छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बहुत बारीकियों से जांच कर सकते हैं पता कर सकते हैं ओके सो द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मशीन्स हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेज एट द इनिशियल स्टेजेस विच रिजल्ट इन द प्रोवाइडिंग बेटर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट अकॉर्डिंगली सो सम ऑफ दिस मशीन्स आर यहाँ पर क्या होता है इनिशियल स्टेजेस से डिसीज का पता लगाया जा सकता है ताकि जो भी चीज़ डिसीज है यदि वो इनिशियल स्टेज से पता लग जाती है तो उसको हम प्रॉपर क्योर कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं जैसे यदि हम बात कर लें किसकी यदि हम बात कर लें कि होप uh, मान सकते हैं कि कोई ऐसी डिसीज जिसका इनिशियल यदि पता चल जाता है तो क्या होगा जब इनिशियल पता चल गया तो जैसे कैंसर वगैरह जो डिसीज होती है यदि इनिशियल स्टेज पे उसका पता चल जाता है तो आगे चल के आप उसको सही टाइम पे सही तरीके से ट्रीट कर सकते हो है ना और सही कर सकते हो इंसान की जान बचा सकते हो राइट सो यहाँ पे जो मशीनें होती हैं वो होती है सबसे पहली कंप्यूटराइज्ड एक्जल टोमोग्राफिक केट मशीन जिसे कहा जाता है अब ये मशीन इस तरीके से दिखती है देखो इस तरीके से यहाँ पर चेकअप होता है दिस मशीन परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्कैन इस मशीन का काम क्या होता है क्रॉस सेक्शनल स्कैन करना मेड अलोंग अ सिंगल एक्सिस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर और टिश्यू ओके एंड इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ दैट स्ट्रक्चर ठीक है सो so, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपके जो बॉडीली एक सिंगल एक्सिस पर है ना एक सिंगल एक्सिस पर क्रॉस सेक्शनल स्कैन होती है और स्कैन होने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है या जो भी स्कैन होने के बाद में इमेज बनती है वो इमेज थ्री इमेज बनती है और इस थ्री इमेज के थ्रू डिसीज का पता लगा पाना डिसीज को डायग्नोज कर पाना इजी हो जाता है सो डिस कैन भी सक्सेसफुली डायग्नोज यूजिंग दिस इमेजेज सो कंप्यूटराइज एक्जल टोमोग्राफी मशीन जो है इससे थ्री इमेज मिलती है जिससे इंसान में जो भी

सॉफ्टवेयर इमेज यूजिंग दिस सिग्नल्स रिकॉर्डेड बाय सेंसर सेंसर्स के थ्रू जो भी सिग्नल्स आते हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है यहां पर भी देखो कंप्यूटर computer, कंप्यूटर्स का रेडियो वेव्स का मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जा रहा है डन नेक्स्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ई मशीन जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ई इसका फुल फॉर्म है अब इस मशीन की मदद से क्या कर सकते हो ये मशीन भी टेस्ट करती है विच मेजर्स दी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, उन्हें बेसिकली मेजर करने के लिए है ना इसका यूज किया जाता है वेदर इट इज वर्किंग नॉर्मली और नॉट मतलब जो आपके हार्ट बीट्स हैं जो हार्ट की रिदम है वो वर्क कर रही है प्रॉपर नहीं कर रही है नॉर्मल है नहीं है बेसिकली इसको मेजर करने के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं कैसे दिखती है मशीन इस तरीके से दिखती है आपने देखा भी होगा टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा बहुत से बार हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं वहां भी बताते हैं एक्चुअल हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा एंड ई जो रिकॉर्ड्स दी रिदम एंड एक्टिविटी ऑन अ मूविंग स्ट्रिप ऑफ पेपर और अ लाइन ऑन अ स्क्रीन स्क्रीन पर आपको लाइन चलती रहती है जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट के हार्ट बीट हार्ट रिदम क्या है नॉर्मल है नहीं है ओके नेक्स्ट कार्डिय स्क्रीनिंग मशीन कार्डिय स्क्रीनिंग मशीन क्या होता है दिस मशीन परफॉर्म इको कार्डियोग्राफी विच व्हिच विच यूजेस अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट मूविंग पिक्चर्स ऑफ द हार्ट हार्ट की जो मूविंग पिक्चर्स है उसको देखने के लिए क्योंकि हार्ट तो इंटरनल ऑर्गन है भाई अब यदि उससे रिलेटेड आपको पता करना है डिसीज वगैरह पता करनी है तो उसके लिए हम कार्डिय स्क्रीनिंग मशीन का यूज़ करते हैं दिस स्पेशल कैमरा इसमें कि स्पेशल कैमरा होता है दैट टच पिक्चर्स ऑफ हार्ट हार्ट की मूविंग पिक्चर्स को देखने के लिए यहाँ पर स्पेशल कैमरा लगा होता है इस मशीन में जो कि पिक्चर्स को विजिबल करता है एट द पेशेंट इज रेस्ट एंड फॉलोइंग एक्सरसाइज टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस ऑन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कॉरोनी आर्टरीज एंड द हार्ट मसल

बहुत ज्यादा आईटी में एक अपना मेन रोल प्ले कर रही है नाउ इलेक्ट्रो एनके फेलोग्राफी इलेक्ट्रो एंड फेलोग्राफी जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है ठीक है अब इस मशीन का क्या काम होता है देखो ये अब क्या रोल प्ले करती है ठीक है तो दिस मशीन इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल पैटर्न इन योर ब्रेन ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल पैटर्नस चलते हैं ना जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस डायग्राम में भी इन्हें मेजर करने के लिए इन्हें डायग्नोस करने के लिए बेसिकली इस मशीन का यूज़ किया जाता है द टेस्ट इज यूज टू हेल्प डायग्नोस कंडीशन सच एज सीजर्स हेड इंजरीज डिजीनेस हेड एक्स ब्रेन ट्यूमर्स एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम्स सो जिन भी पेशेंट्स को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है हेड इंजरीज होती है कुछ हेड एक्स वगैरह होते हैं है ना स्लीपिंग प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको मेजर करने के लिए जनरली ये टेस्ट किया जाता है इट कैन ऑल्सो भी यूज टू कन्फर्म ब्रेन डेथ ओके okay. नाउ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है आपकी कौन कौन सी मशीन से किस किस तरीके से कहां कहां यूज की जा रही है और टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है नेक्स्ट ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन इसे भी आप अच्छे से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम ग्लूकोज मीटर या ग्लूकोमीटर के नाम से भी जानते हैं जनरली आपने घरों में भी देखा होगा ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन इज अ मेडिकल डिवाइस फॉर डिवाइसाइन द अप्रोक्सिमेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को डिटमाइन करने के लिए ठीक है उसको अप्रोक्सीमेटली पता करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोमीटर और ग्लूकोज मीटर नेक्स्ट ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन

जैसे कि आपने देखा है ये हाथ में लगाई जाती है यहाँ पे कफ में और बहुत टाइट किया जाता है पंप किया जाता है ताकि एयर पंप हो और पर्टिकुलर आपका जो कफ है वो टाइट हो जिसकी वजह से प्रेशर आपको और ये चीजें पता चले आपको राइट एज द प्रेशर इन कफ इज रिलीज ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग अगेन एंड द फिजिशियन कैन हियर द फ्लो इन दिस स्टेथोस्कोप और इससे कनेक्टेड स्टेथोस्कोप होता है जिसकी मदद से क्या कर सकते हो आप आ, फ्लो सुन सकते हो समझ सकते हो राइट हाई और लो ब्लड प्रेशर इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड कैन रिजल्ट इन टू मेनी अदर सर्व हेल्थ इशूज द ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइगो मैनोमीटर हेल्प्स इन कीपिंग अ कॉन्टैक्ट कॉन्स्टेंट चेक ऑन आर हार्ट हेल्थ हार्ट हेल्थ को कॉन्स्टेंटली चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ये आपने जनरली सुना होगा इसका नाम भी सुना होगा स्पायरोगोन So, ये जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछा जाता है और ये सारी के बारे में आपने में आपने साइंस भी पढ़ा होगा राइट नाउ आई टी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग तो अभी हेल्थ केयर में हमने देख लिया कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं मशीन्स हैं डायग्नोसिस के लिए किस तरीके से यूज किया जा रहा है आईटी का और भी बहुत सारी मशीन होती है जैसे सोनोग्राफी मशीन्स होती है आजकल पल्स मीटर वगैरह चलता है राइट टेम्परेचर गन वगैरह है ये ये सब चीजें क्या हैं ये सब कही कहीं ना कहीं आईटी पर ही बेस्ड है ये जो टेक्निक्स है जो, जो टूल्स है जो नए नए यूज़ किए जा रहे हैं पहले बॉडी का टेम्परेचर फीवर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया जाता था आजकल टेम्परेचर गन यूज़ की जाती है कि आप बिना छुए टेम्परेचर चेक कर सकते हो है ना ऑक्सीमीटर वगैरह जो होता है आपका आ, हार्ट बीट रेट वगैरह चेक करने के लिए पल्स रेट चेक करने के लिए यूज किया जाता है जो आपकी फिंगर में लगा जाता तो जा है तो सारी मशीन्स हैं जो कि हेल्थ केयर में यूज़ की जाती है जिनसे टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है अब साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग यहाँ भी भाई आई का यूज़ किया जा रहा है साइंटिस्ट लोग भी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इंजीनियर्स भी करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए मेप वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए सो दो पीपल टैन टू थिंक ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एस थ्री सेपरेट थिंग्स दे आर एक्चुअली क्लोजली कनेक्टेड यदि हम बात करें साइंस की इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की तो ये तीनों अलग अलग फील्ड है बट दे आर क्लोजली रिलेटेड क्यों क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जब मिक्स होता है तभी तो सारी चीज़ें इन्वेंट होती है हर जगह साइंस है जैसे आपको पता है राइट right? न्यूटन्स ने एप्पल फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स था तभी वो एप्पल नीचे गिरा ये साइंस की खोज थी राइट right? तो कहीं ना कहीं हर चीज में हम साइंस देखते हैं तो जब साइंस टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं एक बेटर कैसे होती चली जा रही है वो इसी तरीके से ना सो इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आर क्लोजली रिलेटेड टू साइंस वी यूज मेनी टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक स्टडीज दैट हेल्प इंजीनियर्स टू बिल्ड न्यू टेक्नोलॉजीज मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एंड स्टडीज हैं जो कि इंजीनियर्स के थ्रू जैसे हम बात कर ले यहाँ पे कि कुछ साइंटिफिक स्टडीज हैं जो कि इंजीनियर्स को हेल्प करती हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ने के लिए सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आर लार्ज कंप्यूटेशंस कैलकुलेशन ऑफ स्पीड कॉस्ट एंड डिस्टेंस न्यू एवेन्यूज ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन रियल टाइम रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेश्स एनालिसिस एंड कलेबरेशन सो दिस ऑल आर वॉट दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ओके दिस आर एग्जांपल्स ऑफ आईटी इन दिस साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च में बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने होते हैं वहां पे यूज किया जाता है कंप्यूटर्स का आईटी का कैलकुलेशन करना होता है तो कैलकुलेशन बहुत टाइम ले लेगा यदि आप कंप्यूटर्स का कैलकुलेटर्स का यूज नहीं करोगे तो वहां पे यूज किया जाता है राइट कॉस्ट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए न्यू एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए नई नई चीजें यदि एक्सप्लोर करनी है तो आपको इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा सर्चिंग करनी पड़ेगी राइट ऑब्जर्वेशंस करने के लिए रिकॉर्ड्स को ऑब्जर्वेशन करने के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए लाइक एनालिसिस को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए साइंटिस्ट लोग आई पर ही डिपेंड करते हैं ना अपार्ट फ्रॉम अनकाउंटेबल यूजर्स कंप्यूटर क्स कैलेशन साइंटिस्ट लोगों के पास में ना बहुत सारे होते हैं उन्हें करने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने के लिए इंजीनियर कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाते हैं जिनके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस जैसे कि मैंने बताया सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग को सिमुलेट करना करना टेस्ट ग्राफिक्स के लिए सो so, कहीं ना कहीं आप देखते हो ना थ्री डी मूवीज वगैरह जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था आपको तो इन सारी चीजों को क्रिएट करने के लिए भी तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जा रहा है राइट इंजीनियर्स लोग इसी तरीके से तो आगे बढ़ते हैं नाउ आई टी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में भी आई का यूज़ किया जा रहा है कैसे आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है आपको कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपको कुछ काम है तो आप ऑफिस जाओगे गवर्नमेंट के काम तो वैसे ही बहुत ढीले ढाले धीरे धीरे होते हैं लंबी लाइन में लगना होता है एक बार नहीं दो बार नहीं चार बार जाना होता है जब होते हैं राइट तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कही कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है मतलब कि आपको गवर्नमेंट के जितने भी काम है आजकल आप घर बैठे ट्वेंटी फोर इंटू आवर्स कर सकते हो उनके सॉफ्टवेयर उनकी बनाई वेबसाइट्स के थ्रू तो यही टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है जिससे कि क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम देखें जो करप्शन वगैरह जो होते हैं ना वो भी आजकल कम हो गए सो आई टी इन गवर्नमेंट इन पब्लिक सर्विसेज में भी इसका मेन रोल है द गवर्मेंट यूज लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डेली ऑपरेशन डेली ऑपरेशन में गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं भाई कितनी पॉपुलेशन uh, है हमारी तो पॉपुलेशन की जो डेटा है उसको कहाँ मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट कंप्यूटर सिस्टम पर मेंटेन कर रही है ना डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैव रिजल्टेड इन प्रोवाइडिंग मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन Such as document processing for driving license.

इट हेल्प गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दस स्ट्रेंथनिंग दट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ई गवर्नेस मेन रोल प्ले कर रहा है ठीक है आपको एफिशिएंटली सारी सर्विसेज मिल सके देखो ये कुछ वेबसाइट्स के यहाँ पे आपको स्क्रीन भी दिख रहे होंगे राइट जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आपको आधार अपडेट वगैरह करवाना है अपनी फोटो चेंज करवानी है ठीक है आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है सो so, ये सारे जो काम होते हैं इसके लिए आजकल, आजकल आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है आप ऑनलाइन सारे काम कर सकते हो है ना आजकल तो गवर्नमेंट

हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं जहां पे हर एक चीज एक छोटी से छोटी चीज या एक बड़ी से बड़ी चीज आईटी टी इन्वॉल्व है चाहे हम बात करें कि आप घर में यदि बैठे हो तो आपको अपने फैन का स्विच ऑन करने के लिए भी बटन को प्रेस नहीं करना है या हम बोल सकते हैं कि आपको आ, स्विच बोर्ड तक नहीं जाने की जरूरत है आप अपने मोबाइल फोन में ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो आप ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो कि आप अपने फोन के थ्रू स्मार्टफोन के थ्रू सारे इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स को कंट्रोल कर सकते हो यह भी पॉसिबल कर दिया आज टेक्नोलॉजी ने राइट तो क्या बताया

और आप यहाँ पे अब एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी स्टूडेंट्स मीन्स यदि आप चाहते हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स या बुक्स को एक्सेस करना तो कुछ नहीं करना है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी उस पर क्लिक करना आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा उस फॉर्म को फिल कर देना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए या कुछ स्पेशल बुकलेट चाहिए लाइक like एमसी हो गया सैम्पल पेपर हो गया एनसीआर सोल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो फिल कर देना टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई e बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल दैन स्टेस्ट हैप्पी थैंक यू सो मच